कौन सा है वो नशा जो हम सब रोज करते हैं? नमस्ते, मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। ड्रग्स के नशों के बारे में आप पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी नशा है जो हम सब रोज करते हैं और उस नशे का नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जुड़ी बहुत सी अहम बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत में इस समय फेसबुक के 31 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं और यूजर्स के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, यानी फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार भारत है। भारत में ट्विटर के यूजर की संख्या 18 करोड़ से भी ज्यादा है और इस मामले में अमेरिका और जापान के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। यानी फेसबुक की तरह ट्विटर भी एक भारत बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, यानी आप लोग बहुत बड़ा बाजार बन चुके हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनियों के ऊपर इन दिनों ये आरोप लग रहे हैं कि ये कंपनियां अपने यूजर्स को गुमराह कर रही हैं और लोगों को सोशल मीडिया की लत लगाकर ये कंपनियां लोगों के पर्सनल डाटा को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इन आरोपों की जांच के लिए इन दिनों अमेरिका की संसद ने इन बड़ी हाई टेक्नोलॉजी कंपनी के खिलाफ सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को तलब किया गया था। इन कंपनियों पर यह आरोप है कि ये कंटेंट में अपने हिसाब से बदलाव करते हैं, कौन सा कंटेंट ठीक है कौन सा नहीं है इसका फैसला लेती तो है, किसी को कौन से कंटेंट को रोक देना है और आपके बारे में पता भी नहीं चलता। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनका फेसबुक पोस्ट जो है वह पढ़ा नहीं जा रहा, लोग उनके बारे में बात नहीं कर रहे, वह लोगों तक पहुंच नहीं रहा, शायद उनकी बात बाकी के लोगों को अच्छी नहीं लगी। आपको शायद ऐसा लगने लगेगा कि आपके विचार लोगों को अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों तक तो ये फैसला करने की बात पहुंची ही नहीं है, ट्विटर और फेसबुक ये फैसला खुद लेता है कि वह आपके ट्वीट को आगे बढ़ाने देंगे या वहीं की वहीं दबा देंगे। वह देखते हैं कि उनका हित किसमें है। इन कंपनियों के मालिक और संस्थापक भले ही कोई भी दलील देते हो, लेकिन एक बात सच है कि मुफ्त में सेवाएं देने का लालच देकर इन कंपनियों ने लोगों को अपने प्रोडक्ट की लत लगा दी है। जैसे हम बार बार आपको बताते हैं, जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मुफ्त में देती है तो आप खुद उस कंपनी के एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। और आपने देखा होगा, फेसबुक आपसे कोई पैसा नहीं लेता, ट्विटर आपसे कोई पैसा नहीं लेता और गूगल भी आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। फिर ये मुफ्त में ये सारी कंपनियां आपको अपनी सेवाएं क्यों दे रही हैं? इनका क्या फायदा है? फायदा हम आपको बताते हैं। इनका यह फायदा है कि आप इन सभी कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट बन चुके हैं, अब आपका इस्तेमाल हुआ जा रहा है। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जरूरत बन गया है। एक तरफ जहां इसके काफी फायदे हैं, वहीं इससे कुछ नुकसान भी हैं। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर एक व्यक्ति दिन में औसतन 2.5 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय बिताता है, यानी 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता है। लॉकडाउन के दौरान हर एक व्यक्ति ने दिन में औसतन 4 घंटे फेसबुक और व्हाट्सएप पर बिताए हैं। इसी साल की रिसर्च से ये भी पता चला है कि भारत में लोग एक साल में 1800 घंटे यानी 75 दिन सिर्फ मोबाइल फोन चलाकर बिता देते हैं। तकनीकी के बढ़ते आयामों ने भले ही आज संपर्क के साधनों को बेहद आसान और सस्ता बना दिया है, लेकिन इसका एक बड़ा खामियाजा भी हमारा समाज भुगत रहा है। भले ही फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को महज चंद सेकंडों में ऑडियो और वीडियो के जरिए आपसे जोड़ दे रहा है, लेकिन तेजी से इसके बढ़ते चलन के कारण सोशल मीडिया को आभासी दुनिया आपको मानसिक रूप से बीमार और युवाओं में प्रयोग के कारण तेजी से बढ़ रही है। चलिए आपको बताते हैं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव। याददाश्त में कमी आना। सोशल मीडिया पर किए एक अध्ययन के मुताबिक सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल याददाश्त पर विपरीत असर डालता है। ऐसे लोगों के दिमाग में महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित नहीं रह पाती। दरअसल खाली समय में दिमाग जानकारियों को सुरक्षित करने का काम करता है,
लेकिन फ्री टाइम में भी लोग ऑनलाइन गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते उनके दिमाग को आराम नहीं मिल पाता और इसका सीधा असर उनकी याददाश्त पर पड़ता है। एकाग्रति होती है प्रभावित। पढ़ाई के दौरान भी बच्चों का ज्यादातर ध्यान अपने फोन पे आने वाले मैसेजेस और नोटिफिकेशन पर ही रहता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो पाता। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि जैसी सोशल मीडिया साइट्स की वजह से होने वाली डिस्ट्रैक्शन यानी व्याकुलता के कारण विद्यार्थियों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी गिरावट आती है। आत्मसम्मान पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। जब बच्चे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों द्वारा शेयर किए गए फोटो अथवा स्टेटस मैसेजेस देखते हैं, आत्मसम्मान पर पड़ता है नकारात्मक प्रभाव। जब बच्चे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों द्वारा शेयर किए गए फोटो अथवा स्टेटस मैसेजेस देखते हैं, तो वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपने दोस्तों की उपलब्धियों से करना लग जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बच्चा किसी खास स्थान पर छुट्टी मनाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वहां नहीं जा पाया और उसका ही एक दोस्त उसी जगह पर ली गई अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, तो वह बच्चा काफी निराश महसूस करने लग जाता है। इसके अलावा अपनी फोटो अथवा स्टेटस पर मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स की संख्या अपने किसी दोस्त के मुकाबले कम होने पर भी बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वह इन लाइक्स और कमेंट्स को अपनी शिकवस की अहमियत से जोड़ लेता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आती है कमी। हमेशा ऑनलाइन बातचीत में व्यस्त रहने वाले विद्यार्थियों में सामाजिकता की कमी आ जाती है, अर्थात वे निजी तौर पर लोगों के आमने सामने संवाद करने से बचते हैं, जिसके चलते उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी आती है। जबकि जीवन के हर क्षेत्र, चाहे अकेडमिक हो या प्रोफेशनल, बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रभावी बातचीत की कला आपकी सफलता के प्रतिशत बढ़ा देती है। चिंता और तनाव को देता है बुलावा। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से ऑनलाइन दोस्त बनाने का चलन भी बढ़ते जा रहा है, जिसमें आप ऐसे किसी इंसान को अपना फ्रेंड बनाते हो जिसको आप निजी तौर पर ना तो जानते हो और ना ही कभी मिले हो। इस तरह की कई दोस्ती में विश्वास की कमी रहती है और जितनी जल्दी ऐसे रिश्ते बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। मानसिक तौर पर ज्यादा मजबूत ना होने की वजह से किशोरों में ऐसे टूटते रिश्ते दिमागी चिंता और तनाव का कारण बनते हैं, जो कि बेहद गंभीर समस्या है। सोशल मीडिया के नेगेटिव इफेक्ट्स बताने का हमारा मकसद ये नहीं कि सोशल मीडिया का बहिष्कार ही कर दिया जाए, बल्कि डीपीके न्यूज आपको बताना चाहता है कि सोशल मीडिया के अधिक इस्तेमाल से होने वाले परेशानियों से वाकिफ करवाना चाहता है, जिनसे लोग जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर भी गतिविधियों को जिंदगी का हिस्सा ना बनने दे। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।